वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ है हीरो सुपर स्प्लेंडर। ये नया वाला वेरिएंट है, BS7 वेरिएंट। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस वगैरह सारे अपडेट इस वीडियो में हम बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस के हेडलैम्प से। तो अब नई सुपर स्प्लेंडर में हमें फुल्ली एलईडी हेडलैम्प कंपनी की तरफ से ही मिलना स्टार्ट हो गया है। और टायर की बात की जाए तो 80x100 का टायर और 18 इंची के अलॉय व्हील लगे हुए हैं। और IBS ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब फ्रंट का ब्रेक आप यूज़ करेंगे तो रेयर का ब्रेक ऑटोमेटिक 60% ये यूज़ कर लेगा। और फ्रंट और रेयर दोनों में ही इसमें ड्रम ब्रेक है। और इंजन की बात की जाए तो 124.7 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो माइलेज अच्छा खासा 60 तक निकाल के देगा। और पावर की बात की जाए तो 10.72 BHP पावर प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क की बात की जाए तो 10.6 mm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। और इसमें OBD सिस्टम 2 लगा हुआ है, OBD वर्जन 2। और न्यू एग्जॉस्ट इसमें लगा है, पुराना वाला एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बल्की था। इसमें न्यू स्लिम साइज के लगाए गए हैं एग्जॉस्ट। उसका साइलेंसर नोट भी आप हमको सुनाएंगे। और टैंक की बात की जाए तो 12 लीटर का टंकी है इसके अंदर। और न्यू फुल्ली डिजिटल मीटर इसके अंदर है, जो कि नए वाले स्प्लेंडर वगैरह में भी आया हुआ है एक्स्ट्रा फीचर के साथ में। और राइट साइड देखा जाए तो IBS का स्विच सेल्फ है। और लेफ्ट साइड देखा जाए तो हॉर्न इंडिकेटर का राइट लेफ्ट पास हाई बीम लो बीम। और काफ़ी सही डिज़ाइन के इसमें साइड व्यू मिरर इंस्टॉल किए गए हैं। और नया साउंड इसमें हम सुनाएंगे साइलेंसर का कि कैसा है। और रियर की टायर की बात की जाए तो 90x100 का टायर है, 18 इंची का एलवेल है। तो पहले इसका साइलेंसर का साउंड सुनाते हैं। का हेडलाइट तो एलईडी कर दिया इन्होंने, पर टेल लैम्प को वैसे का वैसे हैलोजन छोड़ दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ही जो CMCC की बाइक है ग्लैमर है उसमें इन्होंने एलईडी दे रखा हुआ है, पर इसमें पता नहीं क्यों हैलोजन दे रखा है। इंडिकेटर भी सारे हैलोजन में ही है, कम से कम टेल लाइट एलईडी नहीं दे देना चाहिए था, काफ़ी अच्छा लुक आता पीछे से देखने में। तो ग्रैवल्स भी सही है इसका देखने के लिए, और पकड़ने में भी सही है, पिलियंस को भी सही रहेगा, सीट भी अच्छा खासा वाइड है। और गियर की बात की जाए तो 5 पैटर्न इसमें गियर है, 1 साइड अप और 4 साइड डाउन है। और इसमें ये BS7 है या BS6 फेज 2 कहा जाए इसको, क्योंकि इसमें OBD वर्जन 2 लगा हुआ है। जैसे बहुत सारे कार्स में ये फीचर होता है कि अगर कोई बाइक में आपके कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो कुछ टाइम पहले ही वो आपको इंडिकेट शो कर देगा। जैसे पहले माल फंक्शन लाइट हुआ करता था कि कुछ प्रॉब्लम आने के बाद वो शो करता था, पर OBD2 वर्जन 2 में वो ऐसा होता था कि पहले ही आपको वो कुछ टाइम पहले ही से शो करने लग जाएगा कि आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप सर्विस सेंटर विजिट करके उसे चेकआउट करवा के उससे पहले ही सही करवा सकते हैं कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। इतना कुछ फीचर अभी कुछ ऐसे इसमें है बहुत सारा। तो इसकी जो कंपटीटर है होंडा साइन, मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इसका लुक भी बढ़िया है और माइलेज भी अच्छा है और पिकअप वगैरह भी सही है। इसको मैंने राइड करके देखा है, फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका राइड रिव्यू भी दूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।